क्वेश्चन नंबर 5 है साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी। तो प्रतिस्थापन विधि का यूज करते हुए हमने साइन ए एक्स प्लस बी को टी मान लिया। अब इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। और इसका क्या होगा, एक्स का कॉन्स्टेंट होता है जो बाहर आ जाता है अवकलन में, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो कॉस अवकलन कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 1 बाई ए डी टी, ये अपॉन में आ गया। तो कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स की जगह मैं 1 बाई ए डी टी लिख लेंगे, और साइन ए एक्स प्लस की जगह टी लिख लिया, 1 बाई ए बाहर कर देते हैं टी डी टी। तो 1 बाई ए टी का इंटीग्रेशन होता है टी की पावर 2 अपॉन 2 प्लस सी, 1 बाई ए टी हमने मान रखा है साइन को, साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी अपॉन 2 प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है रूट ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन। तो रूट ए एक्स प्लस बी को हमने लिख लिया ए एक्स प्लस बी की पावर 1 बाई 2, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स का इंटीग्रेशन, एक्स की पावर का इंटीग्रेशन क्या होता है, ए एक्स प्लस बी की पावर 1 बाई 2 प्लस 1 अपॉन 1 बाई 2 प्लस 1, और जो इंटीग्रेशन में एक्स का कोएफिशिएंट होता है ना वो आ जाता है बाहर ए प्लस सी। तो आगे करें तो 1 बाई ए एक्स प्लस बी की पावर 3 बाई 2 अपॉन 3 बाई 2 प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्स रूट एक्स प्लस 2 का इंटीग्रेशन। तो हमने एक्स प्लस 2 को यहाँ पे टी मान लिया, तो इसका इंटीग्रेशन क्या, अवकलन क्या होगा, एक्स का 1 2 का 0, 1 डी एक्स इक्वल टू डी टी। और इसी समीकरण से अगर देखें तो हम एक्स की वैल्यू क्या आएगी, टी माइनस 2, इंटीग्रेशन एक्स की जगह था रख दिया टी माइनस 2, इसको माना था टी तो ये रूट टी, और इसका माना लिया डी टी। तो आगे करें तो इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर ही रूट टी अगर 3 बाई 2 हो जाएगा, माइनस 2 टी की पावर 1 बाई 2 डी टी। इंटीग्रेशन करेंगे टी की पावर 5 बाई 2 अपॉन 5 माइनस 2 टी की पावर 3 बाई 2 अपॉन 3 बाई 2 प्लस सी। आगे सॉल्व करें तो 5 बाई 2 है यहाँ, 2 आगे आ जाएगा, 2 बाई 5 2 ऊपर, एक्स टी की वैल्यू क्या थी, एक्स प्लस 2 की पावर 5 बाई 2 माइनस 2 टी की वैल्यू एक्स प्लस 2 की पावर 3 बाई 2 अपॉन 3 बाई 2 प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा।